सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांशु नौटियाल और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खरसाली से। तो आपको पता होगा मैं आया था यमुनोत्री और कल मैं अपने गांव से और खरसाली गांव तक पहुँच चुका हूँ और कल मैं इस घर में रुका हूँ। आप देख सकते हैं इस रूम में तो काफ़ी मस्त रूम है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो आप लोगों को अफोर्डेबल रेंट में ये रूम मिल सकता है। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपना रूम बुक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से और आपको पहले खरसाली गांव दिखाते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। बोलो यमुना मैया की जय। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ से व्यू, जिसको देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि भाई प्रियांश भाई आपने कहाँ ले आया, हमें स्वर्ग की अनुभूति करवा दी यहीं पे। हमारा खूबसूरत हिमालय देखिए, शायद ही आपने कहीं देखा होगा और इतने नजदीक, और ये खरसाली गाँव है। तो गाइस मैं आपको यहाँ के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक तो यमुना जी के हैं जो कि आज डोली ऊपर जानी है, दूसरा यहाँ पे सोमेश्वर भगवान जी का भी मंदिर है। तो सबसे पहले जो सोमेश्वर भगवान जी हैं जो आपने अभी देखा, वो यहाँ से यमुना जी को लेने के लिए गए हुए हैं, मतलब वो उन्हें साथ में पहले अपने मंदिर पर आएंगे, फिर यहाँ से वो दोनों ऊपर जाएंगे यमुनोत्री धाम और उस तरीके से वहाँ पे कपाट खुलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है यमुना माँ का मंदिर और ये स्थित है खरसाली गांव में, काफी खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए आपको थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं यहाँ के। तो गाइज ये वही मंदिर है जहाँ पे यमुना माँ की 6 महीने शीतकालीन पूजा होती है। तो मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे होंगे। तो जय यमुना मैया, आप सभी लोगों पर यमुना माँ की काफी कृपा बनी रहे, जो आप चाहो वो आप सफलता हासिल करें। तो गाइज फाइनली अक्षय तृतीय के पावन पर्व के दिन यहाँ से डोली अभी सोमेश्वर भगवान जी के मंदिर के पास प्रस्थान करेगी। वहाँ से सोमेश्वर भगवान जी की डोली और माँ यमुना जी की डोली साथ में पैदल मार्ग अपने जानकी चट्टी से और 5-6 किलोमीटर ऊपर यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये है और ये है सोमेश्वर भगवान जी की डोली। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं सोमेश्वर भगवान जी के मंदिर के पास और आपको अभी यहां की सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूं, साथ ही साथ सोमेश्वर भगवान के मंदिर की वो दिखाता हूं यहां पे किस तरीके से सजाया गया है इस मंदिर को। आ चुके हैं दोनों डोलियां सोमेश्वर भगवान के मंदिर में और यहाँ से थोड़ा बहुत पूजा करने के बाद आगे बढ़ेगी। गाइज आप जो मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, ये है सोमेश्वर भगवान का नया मंदिर और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाला। तो ये पुराना मंदिर है और सोमेश्वर बोले या शनिदेव बोले एक ही बात है। जय श्री यमुने। तो गाइस पहाड़ी रास्तों पे चलना इतना आसान नहीं है, देख सकते हैं पीछे
तो बहुत कीचड़ हो रहा है, फिसलन हो रही है क्योंकि पिछले एक दो दिन से बारिश हुई थी, तो रास्ते तो एकदम खराब है, लेकिन कोई बात नहीं। बोलो यमुना मैया की जय। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और अभी तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ जबरदस्त व्यू। और मेरे साथ ही सफर की साथी होने वाली है खुशबू, मेरी बहन, हैशटैग बहन। गाइस कितना खूबसूरत नजारा है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:45 और अभी चल रहे हैं हम लोग जानकी चट्टी से। अब देखना ये होगा कि कितने घंटे में हम ये सफर तय कर पाते हैं अपना यहाँ से और यमुनोत्री धाम का। कितना है आने जाने का? आने जाने का हाँ, आने जाने का 5,000 गंडी में। और जाने जाने का? जाने जाने का हाँ 2,500। अच्छा जाने जाने का 2,500। घोड़े का कितना होता होगा? अच्छा यही है। अच्छा चलिए थैंक यू। तो गाइस मैंने अभी कंडी का रेट पूछा तो जाने आने और जाने का 5,000 है और सिर्फ जाने जाने का 2,500 है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये वो सब यात्रा पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा चल रही हो तो ज़्यादा लेते हैं कम से कम। अभी लिखा हुआ है रुक रुक के यात्रा करें एवं प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। और लट्ठी मिली आंटी जी, यहाँ कितने का ये लट्ठी? अच्छा बिकता नहीं है या तो आंटी जी बेच रही है हमें और 50 रुपए में एक बेच रही है, 10 रुपए में दे रही तो मैं लेके जा रहा हूँ। क्या कह रहे कट रहे? अरे यार हमें नहीं चाहिए आंटी, हम कर लेंगे। नहीं नहीं हमें मिले यहाँ पे कुछ टूरिस्ट। कहाँ से हो आप लोग? बड़ोदरा। चलिए बढ़िया है, जय यमुना मैया। तो रास्ते भर में आपको ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे, यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। और यहाँ से है यमुनोत्री धाम 4.75 किलोमीटर। तो यहाँ से गेट मिला हमें, जय यमुना मैया। तो गाइस अगर आप लोग यमुनोत्री धाम आते हो और तो आप लोग जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर आगे ये देख सकते हैं आप, इसकी शक्ल पे चल लीजिए। ये है मनीषा मेरे दोस्त, इनके होटल पे जरूर रुकना और यहाँ पे नाश्ता चाय नाश्ता जो भी आप करना चाहो जरूर करना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है मेरा नाम लेके। मिलेगा जरूर। आगे बढ़ती हुई डोली कई जगहों पे रुकती है, अभी यहाँ पे एक जगह रुकी हुई है डोली और यहाँ पे सभी भक्तों के लिए चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था है। तो गाइस जब भी आप लोग ऐसी यात्रा पे आए या पहाड़ों में आए तो अपने पास सिंपल जरूर लेके आना। तो गाइस पहाड़ों में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, तो जब भी आप लोग पहाड़ों में कभी आए तो अपने पास एक सिंपल जरूर लाइएगा, ये आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी से बचाने का काम करती है। बाकी हमारे साथ भगवान जी हैं तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो जय यमुना। अब आ चुका है चढ़ाई वाला ट्रैक, तो करते हैं फटाफट से कवर। गाइस बहुत रश हो रहा है यहाँ देख सकते हैं आप, काफी भगदड़ होगी। जय यमुना मैया। अभी कम से कम हम लोग 2.5 किलोमीटर चल लिए हैं जानकी चट्टी से, तो जब भी आप यात्रा करते हो तो रुक रुक के चलें, आराम से चलें और बीच बीच में पानी के काफ़ी स्टॉप हैं तो आप पानी पीते हुए चलें तो आपको दिक्कत नहीं होगी चलने में। तो अभी हम जानकी चट्टी से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने लिया है अभी नेक्स्ट स्टॉप। तो देखिए तो सारे लोग आ रहे हैं और जो देवता की डोली है वो अभी बहुत पीछे है, यहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं। गए हो आप लोग? कुछ भाई लोग यहाँ टीवी के मिले। तो सफर में एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमने लिया यहाँ से एक माजा और देखिए बहुत सारे भक्त लोग जा रहे हैं।
जय यमुना माँ। जब भी आप ऐसी जगह आते हो, इन भी आपके पास प्लास्टिक वगैरह होता है, उसे डस्टबिन में डालें और इधर उधर ना फेंके। तो इसे हम लोग या तो बैग में डालेंगे या फिर डस्टबिन में डालेंगे। भाई चल दिए यहाँ से बस, आप सीधा आपको मिलेंगे हम यमुनोत्री धाम में। तो जय यमुना मैया। तो गाइस हम लोग बर्फ के इतने नजदीक हैं कि यहाँ पे देखिए आप, आसपास हर जगह यहाँ पे आपको स्नो दिखेगी। ये देखिए गाइस सुंदर नजारे के साथ हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम में। तो गाइस जब भी आप यमुनोत्री धाम आओ तो बिल्कुल रुक रुक के चलें, स्टॉप लेके चलें और साथ ही साथ अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें जिससे आपको थकान नहीं होगी। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं भैरव मंदिर के पास और ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का। तो ये देख सकते हैं आप भैरव मंदिर। जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे काफ़ी खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये देखिए आप पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस इस ट्रैक में हमारे साथ मिली है हमें महाराष्ट्र की एक लड़की जिनका नाम है गायत्री और ये हमारी दोस्त बन चुकी हैं इस ट्रैक के साथ ही। ये देखिए खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे ढाल है, कृपया सावधानी पूर्वक चलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग यहाँ से 500 मीटर भी और होगा और मैं आपको पहली झलक दिखा देता हूँ मंदिर की। ये देखिए यमुनोत्री धाम की पहली झलक। तो गाइस श्री यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। फाइनली ये बोर्ड हमें दिख चुका है और हम यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। जय मां यमुने, जय मां यमुना। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम में और ये यमुनोत्री का जो पुल है वहाँ पे है हमें। और ये देखिए पतित पावनी माँ यमुना। हमारी नई दोस्त गायत्री कमेंट सेक्शन में इसका वेलकम करें हमारे ब्लॉग में। ये देखिए दर्शन की लाइन। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यमुनोत्री धाम में और यहाँ पे देखिए भीड़। और आज खुल रहे हैं यहाँ पे कपाट अक्षय तृतीया के पावन दिन। जय माँ यमुना। गाइस मस्त नहा लिया हूँ मैं बढ़िया करके यमुनोत्री में, जबरदस्त। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर दर्शन करने और बाकी वीडियो में नहीं बनाने वाला। तो गाइस फाइनली मैं हूँ यमुनोत्री धाम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ ये है यमुनोत्री धाम। आज से यहाँ के जो कपाट हैं वो सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है इस वक्त। गाइस काफी अच्छे दिन हम लोग आए, देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है इस वक्त, ऊपर से बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है। क्या व्यू है गाइस, बर्फ गिर गई। ये देखिए गाइस बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बर्फ गिर चुकी है। ये देखिए आधे घंटे में बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाएगा।
ये देखिए भक्तों की लाइन, ये देखिएगा इस भक्तों की लाइन, ये देखिए। तो गाइस आज यहाँ पे हजारों की संख्या में मतलब भक्त आए होंगे, जबरदस्त गाइस, जबरदस्त इसमें फॉल होती हुई है। यहाँ पे देखिए यमुनोत्री धाम से एकदम बिल्कुल आपको तगड़ा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और आज अक्षय तृतीया है और आज यहाँ के कपाट खुले हैं सभी भक्तों के लिए, खोल दिए गए हैं बढ़िया करके, देख सकते हैं आप आज यहाँ पे। तो यहाँ आज तकरीबन हजार मतलब 15-20 हजार श्रद्धालु तो पहुंचे ही होंगे। तो गाइस मंदिर से काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं और जय यमुना मैया। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और जो भी आप लोगों की इच्छा होगी वो आप कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं और माँ यमुना आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। यहाँ पे इस वक्त बर्फबारी हो रही है मस्त वाली। तो गाइस वक्त हो चुका है यमुनोत्री धाम से वापस घर के लिए जाने के लिए और यहाँ देखिए यात्रियों की भीड़ जाने के लिए, देखिए सबको रोका हुआ है अभी। तो गाइस फाइनली 1-1.5 घंटे के जाम से निकल चुके हैं हम लोग। तो गाइस ये देखिए यहाँ से बर्फ आती हुई है, देखिए ये देखिए गाइस। तो गाइस यमुनोत्री धाम में हो रही है बर्फबारी और मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस, काफी लेट हो चुका है, 1.5-2 घंटा हम लोग इतना जाम में फंसे रहे। और ये जाम गाड़ियों का नहीं था गाइस, इंसानों का जाम था क्यों भाई?